नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तरकाशी में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्यालय में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का शुभारंभ विधायक सुरेश सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, ब्लॉक प्रमुख के साथ कई जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मेले में 655 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। हरदोई में 13 मकानों और दुकानों का अवैध अतिक्रमण किए जाने की नोटिस नगर पालिका की तरफ से दी गई। नगर पालिका ने नोटिस देकर मकान खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर पालिका ने कहा कि अगर अतिक्रमण खाली नहीं कराया तो नगर पालिका अवैध अतिक्रमण हटवाएगी, जिसका खर्च नोटिस प्राप्त करने वालों को देना होगा। बैठगंज मोहल्ले में जो है एक तालाब था जो जमींदारों का नाम से दर्ज है, 1016 नंबर जो है घाटा संख्या है। इसको जो है अभी पैमाइश कराई गई तहसील के द्वारा। उसमें 13 लोग जो है ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने तालाब की कुछ भूमि पर कब्जा कर रखा है। उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस जारी की है और हम लोगों ने हिंदुस्तान पेपर में भी जो है एक उसका विज्ञापन भी दिया था कि जो लोग इस तरह के हैं तो तत्काल उस तालाब को खाली कर दें। वैटगंज है, यहाँ हम लोग 30 साल से रह रहे हैं। हमारा खुद की ज़मीन है, पे मकान बना हुआ है, मगर यहाँ नोटिस आ गया है कि ये घर बुलडोजर चलाया जाए, इस पर किराया जाए। बताइए, रमज़ान में हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये गलत बात है। हमारी बूढ़ी माँ है, बीमार है, कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, ये सब परेशान करने की वो है कि नहीं है? रोजे रमजान में हम लोग इबादत करेंगे तो ये देखे। ये बैठगंज मोहल्ला है और हम लोगों को यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए। हम लोगों के हाथ में नोटिस नहीं आए, अखबार में देखा गया, इससे हम लोग चलते हैं। हम जो चाहते सरकार जो भी फैसला करेगी हम लोग को मंजूर। नोटिस में क्या कहा गया है, आप लोग के कागज हैं कि नहीं है? कागज़ हैं, हम लोगों के सबके कागज़ हैं, यहाँ से वहाँ तक के सबके कागज़ हैं। 13 लोगों का नोटिस जारी किया गया कि यहाँ खाली कर दिया जाए। हम लोग इतने पुराने से रह रहे हैं, 30 साल हो गए, बताइए, एकदम से अब ये आर्डर आ गया कि खाली कर दिया जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज पौड़ी के कोड़ियाला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कंडोरिया ठाकुर से अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की है। वह विधायक ऋतु खंडूरी ने कंडोरिया ठाकुर के मंदिर में मनौती स्वरूप घंटी भी लगाई। बता दें कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी होंगी। ऐसा है, पौड़ी मेरा दादी का घर रहा है और बचपन से मैं पौड़ी आती रही हूँ। और कंडोलिया देवता, क्यों कालेश्वर, सत्यनारायण मंदिर नीचे, ये बचपन में हमारे जैसे खेल के मैदान होते थे, यहाँ आना ही आना होता था। वो तो आस्था धीरे धीरे जगी, समझे हम चीजों को। लेकिन मैं अभी चढ़ते हुए यही बता रही थी कि क्यों कालेश्वर भी हम लोग बचपन में अवश्य जाते थे, मतलब घूमते घामते पहुंच जाते थे। तो ये आस्था जो है वो परिवार में रही है। मेरे पिताजी भी जब भी पौड़ी आते थे कंडोलिया देवता जरूर पहुंचते थे और आशीर्वाद लेते थे। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए रखनंदा नदी पर बनाया गया मोटर पुल जर्जर हालत में है। भारी वाहनों के चलने से ये मोटर पुल कांपने लगता है। 2013 की आपदा में भी पुल को काफी क्षति पहुंची थी, लेकिन आज तक पुल को ठीक नहीं किया गया। आए दिन भारी वाहनों के चलने से पुल की हालत जर्जर बनी हुई है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। लगभग 50 मीटर लंबे इस पुल को 16 से 17 जून 2013 की आपदा में भी काफी क्षति पहुंची थी। पुल पर एक साथ एक ही वाहन चलाने के निर्देश है, लेकिन पुल पर एक साथ कई वाहन चलते हैं, जिससे पुल की स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। वहीं पुल को ठीक कराने के लिए स्थानीय जनता भी लगातार मांग कर रही है। अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके के टोल प्लाजा से आबकारी टीम ने 200 बोतल शराब बरामद की। आबकारी टीम के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर हुंडई कार से 200 बोतल हरियाणा मार्ग शराब के साथ दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। सूत्रों से सूचना मिली कि हरियाणा से एक कार जो है शराब लेकर के और जोया टोल प्लाजा से गुजरने वाली है, तो हम लोग उस पर विश्वास करते हुए टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर दिए पुलिस के साथ। जब गाड़ी आई तो उसको रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी भगाने लगा, दौड़ा करके उसको घेर करके पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसमें 200 बोतल मैकडॉवेल ब्रांड के बोतलें और 192 कौवे बरामद हुए,
तथा दो अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध रजबपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बरेली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां के घर पर चोरी की बिजली चलते पकड़ी गई है। बिजली विभाग की टीम ने परवेज मियां के खिलाफ बिजली थाने में FIR दर्ज करवा दी। साथ ही उन पर करीब 10,000 रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसे जल्द जमा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। क्षेत्र में बिजली की चोरी को रोकने के लिए हमें निर्देश मिले कि वहाँ पर हमें सघन अभियान चलाना है। उस अभियान के तहत हम लोग शाहबाद क्षेत्र में जब अभियान चला रहे थे तो हमें परवेज मियां जी के मकान पर यह मिला कि इनके द्वारा बिजली चोरी की जा रही है। मौके पर जो भी उपभोक्ता प्रतिनिधि वहां मौजूद थे उनको हमने अवगत कराया कि ये गलत है और कानूनन नहीं है, और उसके उपरांत हमने धारा 135 में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्हीं के मकान के नज़दीक में ही दो मकान और भी थे जिन पर भी हमने धारा 135 में प्राथमिकी दर्ज कराई। बिजनौर के बैराज रोड पर खेत में आग लग गई। वहीं आग लगने से काफी गन्ना जल गया। बता दें कि वहीं रास्ते से एक दमकल विभाग का कर्मचारी जा रहा था, जिसे धुआं उठता देखा तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गन्ने के खेत में आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मैंने देखा कि इधर बहुत तेज आग लग रही थी और धुआं चल रहा था, तो मैं इधर मौके पर आया तो मैंने जैसे देखा कि गन्ने के खेत में आग जल रही है, तो मैंने एकदम अपने मोबाइल से फायर स्टेशन बिजनौर को सूचना दी और वहां से गाड़ी मंगवाई और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। फिर पूछताछ करी गांव के प्रधानों से, आसपास से पता चला कि ये खेत पूर्व विधायक सूची वीरा जी का है और अग्निशमन कार्य जारी है अग्नि नियंत्रण। हरिद्वार से दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं बस पलटने से एक बाइक सवार युवक भी बस की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार सहित बस में सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि श्रद्धालु गुजरात से हरिद्वार गंगा स्नान करने आए थे। रात सूचना आई थी कि एक बस जो श्रद्धालु से भरी हुई थी वो हरिद्वार से वापस आ रही थी और डिवाइडर से टकरा कर पलट गई थी। उसके पलटने से एक मोटरसाइकिल सवार उसके नीचे आ गए थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है। और जो श्रद्धालु से भरी बस थी उसमें भी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। पीलीभीत में करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि खेत में पानी लगाते समय ट्यूबवेल के तार से करंट लग जाने से मौत हुई है। पूरे गांव में इस घटना से शोक की लहर है। ये घटना कोतवाली बीसलपुर इलाके के ललौर गुरदानपुर गांव की है। मामला ये है, यहाँ पर वो घर से रोज सिंचाई के लिए आते थे, आज यहाँ पर आए तो वहाँ पर बम्बे में एक सरिया डाल के सिंचाई के लिए वो नाला खोल रहे थे, उसी समय तार में जाकर वो सरिया अटैच हो गई, उनकी अंडर स्पॉट मौत हो गई। कौन है आपके? मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद और चाचा भाई। कुशीनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने पीएम का संबोधन सुना। गोरखपुर मंडल समेत कुशीनगर जिले के सभी गांवों में पीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। बता दें कि गोरखपुर बस्ती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना में 3 गांव शामिल हुए हैं। गोरखपुर मंडल में सिर्फ कुशीनगर के 1 गांव शामिल किया गया। कुशीनगर के ढांटीभार गांव के प्रधान जयप्रकाश यादव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में आग लग गई, जहां किसान के खेतों की कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। आग को बुझाने के प्रयास में किसान और स्थानीय पुलिस लगे हुए हैं। सीतापुर में आजम खान से जेल में मिलने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा पहुंचे। वहीं विधायक रविदास मेहरोत्रा ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल विधायक रविदास मेहरोत्रा को जेल प्रशासन ने आजम खान से मिलने नहीं दिया। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी हालत जेल में खराब है, जेल प्रशासन सरकार के दबाव में है और चाहते हैं आजम खान की जेल में ही मृत्यु हो जाए। बताया गया कि बहुत अधिक अस्वस्थ है, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है और वो दवा खा के सो रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अब प्रशासन को सरकार से कोई आदेश है कि हमको उनसे न मिलने दिया जाए। आजम खान साहब जेल के अंदर फांसी गारंट जो होता है
जहां फांसी प्राप्त किए हुए मुजरिम रहते हैं उस कोठरी में तनाई में उनको बंद किया गया। जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से अगर कोई विधायक या सांसद जेल में आता है तो उसको बी क्लास मिलता है, लेकिन आजम खान साहब को जेल के अंदर न बी क्लास मिला है न सुपीरियर क्लास मिला है और वो आम अपराधी कैदियों की तरह जेल के अंदर उनको बंद रखा जा रहा है। संभल में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति और बेटी को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में मां और मासूम बेटी की मौत हो गई जबकि बाइक चला रहा गृह स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा के ग्राम सभा कांडा के सिल्ली निवासी आकाश भंडारी सेना में थे जो 22 अप्रैल को शहीद हो गए। आज गोहरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिता अजयपाल सिंह संसद भवन दिल्ली में कार्यरत हैं। आकाश गढ़वाल राइफल 21 में पंजाब फिरोजपुर में तैनात थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।